16 नवंबर से कंटिन्यू ये चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद शबीर मुसी, सदर दायरा इंतजामी कमेटी दायरे हज़रत मुरम्मिन सुल्तान शाही। आप तमाम मोमिनीन को इस बात की लिए इत्तला करता हूँ कि आप यहाँ पर दायरे का काम जो है ना 15 नवंबर से शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक काम 70% काम हो गया है। बाकी का 30% काम है, वो काम भी जो है ना 8-10 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। इसके लिए हमको कई शिकायत आए थे, कई वो रहे थे। उमूमन इसका काम साल में एक वक्त किया जाता है जो है बल्लिया की तरफ से जानिब से होता है। वो जो है ये दायरे की हदूद के हिसाब से जो है ना साल में 3-4 मरतबा होने का है। वो एक ही टाइम में कुछ भी काम बराबर नहीं होता है, इसलिए हम कमेटी की जानब से मीटिंग करके डिसाइड करें कि हम जो है ना पूरी सफाई का काम कराएंगे। इसके बाद भी हम जो है ना बाकी तामीरी काम जो मेंटेनेंस के रिपेयरिंग के उसके वो कामों को भी शुरू कराएंगे, जिसकी तफसील आपको हमारे सेक्रेटरी जीशान साहब और हामिद जाफरी साहब आपको समझेंगे। दायरे के तालब से आपकी कुछ सदर साहब से बात हुई थी, उसके बारे में कुछ? हाँ, वो गुज़िश्ता साल की बात है। वो गुज़िश्ता साल जो है ना कुछ हमारे रिन्यूअल के लिए कुछ जो है नाइतवा की कुछ हो गई थी, बेतमानी मोमिन में पैदा हो गई थी, उसको देखते हुए मैं सदर मजलिस बैरिस्टर नकवी मिलर असदुद्दीन अवी साहब MP से फ़ोन पे बात किया, जो अच्छी तरीके से तमानियत दी है। अब उन्हीं की हिदायत पे हम जो है ना साल भर से काम कर रहे हैं, ये सब काम भी उनकी हिदायत पे ही हो रहा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। 14 को GSMC से होता था, साल में एक टाइम होता था, वो अपने जो है ना टेंडर को जो है 40% लेस छुड़ा देते, जिससे जो है ना 1,00,000 का 60,000 में छुड़ा के 3 दिन सिर्फ काम करते थे, 25-30 लेबर उगा के काम बराबर नहीं होता था। जो है ना वो हिसाब से यहाँ दायरे का जो 19 एकड़ में 13 एकड़ जो हमारे अंडर में इस वक्त है, उसके लिए साल में 4 वक्त करना चाहिए। ये साल बारिश की वजह से उसके साथ साथ मैं तमाम जो है ना यहाँ के काम करने वाले गोरखन हमारा स्टाफ जो रात दिन इतने अमवात आने के बावजूद भी जो काम करे उनके जो है ना मशकूर हूँ। उन लोगों ने अपनी उन लोग अपनी जान के वो लगा के जो है यहाँ तदफीन करे। स्ट्रीट लाइट का भी काफी प्रॉब्लम है, मतलब रात के टाइम पे मगरिब के टाइम पे काफी अंधेरा, मतलब यहाँ स्ट्रीट लाइट भी काफी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं। यहाँ स्ट्रीट लाइट जो है ना हमारे बिरादरम जो है ना अली अब्बास आबेदी मोहम्मद पाशा जो है ना उनके खुद 100 पोल हैं, जो छोटे पोल दिखते हैं आपको वो पोल उन्हीं के हैं, और गवर्नमेंट के पोल चालू नहीं है, ज़्यादातर उन्हीं के पोल चालू है। ये एक 20 साल मेरे हिसाब से 15 साल से उन्होंने जो है ना 20-25 पोल से शुरू किए थे, जो अपने अंडर में उन्होंने हर साल उसका मेंटेनेंस करते हैं और देखभाल करते हैं, जो एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर है बल्लिया के, आप लोग जानते हैं। नहीं वैसा कुछ नहीं है जो है ना, वैसा हुए हैं जो 9 बजे के बाद नहीं दिया गया 11 बजे के बाद, इस वजह से क्योंकि गुसल देने वाले जो हजरात हैं वो लोग आपस में जो है मीटिंग करके डिसाइड करें। मीर मोमिन रहमतुल्लाह अलैह की हम लोग मैनेजिंग कमेटी हैं, और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर जो है 14 शाबान को साफ़ सफाई गवर्नमेंट की तरफ से हर साल होती रही, लेकिन इस साल जो है लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सकी, और उसके बाद भी जो है बारिश वगैरह होने की वजह से काफ़ी झाड़ हो गए थे। कमेटी जो है सुमोटो एक्शन लेते हुए मीटिंग करके ये डिसाइड करें हम लोग कि अपने पैसों यानी कमेटी के पैसों से ये साफ़ सफाई का जो है इस साल काम कराएंगे बोल के। तो लिहाजा 15 नवंबर से जो है यहाँ पर काम चल रहा है और तकरीबन 70% दायरा जो है साफ़ सफाई हो चुकी है, और बाकी का एक थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह ये साफ़ सफाई आप लोग खुद आके आप देख सकते हैं दायरे में किस तरीके से हम लोग साफ़ सफाई करें। तो ये काम ही है, अभी जारी रहेगा है। जी नहीं, बस ये इसके बाद 3 दिन के बाद और ख़त्म कर देंगे, जैसे झाड़ जब ख़त्म हो गए मुझे कम्प्लीट करने के बाद ख़त्म कर देंगे, जो साफ़ सफाई का काम जितना कम्प्लीट हो गया उसके बाद काम रोक दिया जाएगा। ये हमारे ज़ाती यानि दायरे के फंड के जो पैसे रहते हैं वो पैसों से ये काम हुआ है। शुक्रवालेकुम, जैसे कि आप लोग की मुसलसिल हमारे कमेटी में शिकायतें थी कि झाड़ें उछल गए यहाँ पर, और एक इंसिडेंट भी हुआ था जो तो अक्टूबर के महीने में एक बच्चे का हाथ जख्मी हुआ था, उसकी इत्तला के फौरी बाद मैनेजिंग कमेटी के सदर साहब और हम लोग सब ने बैठ के ये इत्तेफाकी तौर पर डिसीशन लिया, और ये दायरा कमेटी की ही जानिब से झाड़ों की कटवाई का काम चल रहा है। जैसे कि हमारे जिशान साहब ये बताइए, इसका लेंथ बहुत बड़ा है, यानी कि 12 से 18 एकड़ तक है,
इसके लिए पीछे 15 अक्टूबर से यहाँ की झाड़ जो तो 15 अक्टूबर से जो है नवंबर से ये तो जारी है, जो लॉकडाउन में काम नहीं हुआ था। अब इंशाल्लाह ये तो आप जायरीन को यहाँ पर किसी किस्म की रास्ते में कोई तकलीफात नहीं होंगे, और जहाँ कहीं भी ऐसी आ रही तो वक्तन फक्तन उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है। हम तमाम प्रेस और मीडिया का जो आप लोगों ने काफ़ी मुकामात पे लाइट मुयस्सर नहीं है तो सब देखिए लाइट के लिए भी हम लोग बहुत बार बार बोले हैं, क्योंकि जैसे कि एक दो तीन पोल भी टेढ़े हो गए तो वो लोग जो तो क्योंकि यहाँ अगर कोई काम करे तो बाहर भी पूरा जो तो काम बंद करना, बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल से वहाँ की भी लाइट बंद करना पड़ता है, स्ट्रीट लाइट अंदर आई हुई है। इसीलिए जो है तो इंशाल्लाह एक ये इलेक्शन के बाद जो पोल जो नाकिस है और जहाँ पर लाइट नहीं आ रहे उसका भी इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। आपकी कमेटी की जानिब से आगे जो कमान है उसका कुछ काम का जो हाँ, प्रपोजल आप लोग रखे हैं? हमारे सेक्रेटरी साहब सदर साहब जो है ना हम लोग जो है उसका भी एक डिसीजन लिए है। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है ना मस्जिद मुकद्दस की तरह जो है तो बाबुल दाखिला दिखेगा आपको, और हजरत क़िबला की बारगाह में भी कुछ तामीरी काम है वो भी है। इसके अलावा दीगर जो तो कुछ ऐसा काम है जो तेलंगाना क्या हम इंडिया में कहीं भी नहीं है, वैसे एक कब्रस्तान में ऐसा काम कर रहे हैं जिसको GPR सिस्टम कर दिए है, तो इंशाल्लाह जो है उसके लिए भी जो तो एक दो चार दिन में इलेक्शन के बाद उसका इनाग्रेशन किया जाएगा और अनाउंस किया जाएगा। और इसके लिए जो है यानी कि कहीं भी दुनिया में बैठ के कोई भी आदमी हजरत क़िबला की मज़ार की ज्यारत कर सकता है, बल्कि अपने अकरबा जो मर चुके उनकी भी खबरों की ज्यारत कर सकता है, ऐसा ऐप बनाए उसको। तो लाइव रहेगा क्या वो? जी सर हमेशा लाइव रहेगा, लाइव रहेगा वो बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा, लाइव रहेगा। और बल्कि ख़ास तौर से ये जो कोई अच्छी अमवात आए तो अगर कोई बैरूनी ममालिक में बैठ के भी देखना चाहे तो वो भी उसका भी इंतज़ाम हो रहा है। तो मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी और जनाब सैयद शबीर मुसवी साहब से जीशान साहब हम लोग जो है तमाम हमारे मुंतजमीन हैं, बाबर है और हमारे मौलाना इरफान जाफरी साहब है और सज्जन साहब है और दीगर जो तो तमाम अराकीन जो है यहाँ रात और दिन हमारी हिदायत पर हम लोग जो है तो कमेटी के हिदायत पर, हिदायत का मतलब ये कि कमेटी की हिदायत पर ये काम अंजाम दिया जा रहा है।